कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज एक बार फिर इन उत्साहित पंक्तियों के साथ आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने लॉर्ड इरविन व लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में पढ़ा। आज हम भारत के अंतिम दो वाइसरॉयज के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बाद भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। शुरू करने से पहले दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के अगले वाइसराय हुए लॉर्ड वेविल। इनका कार्यकाल हुआ 1944 से 1947 तक। दोस्तों, इसके कार्यकाल में शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में हुआ। हम इसे वेवल योजना के नाम से भी जान सकते हैं। यह शिमला में होने वाला सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधि थे, जिसमें प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खां, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान व तारा सिंह। इसमें कुछ प्रस्ताव थे, जैसे सांप्रदायिक समस्या का निराकरण किया जाएगा, हिंदू हाईकोर्ट व मुस्लिम को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, शूद्र और सिखों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सभी विभाग भारतीयों को सौंपे जाएंगे सिवाय रक्षा विभाग को छोड़कर। और इस समय मुस्लिमों के फेवर में जिन्ना ने मुस्लिमों को अलग रखे जाने की बात कही। वेवल और जिन्ना की इसी जिद के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। दोस्तों, इसके समय कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, जिसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस व अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में जो बातें रखी गई थी वे इस प्रकार थी। ब्रिटिश प्रांत व देसी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। केंद्र में एक अस्थायी सरकार होगी और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा व भारत इंग्लैंड के बीच डील होगी। इसके तहत मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने अपनी हामी भर दी, परंतु वे किसकी सरकार बनेगी इस पर लड़ते रहे। फलस्वरूप चुनाव कराए गए व 102 सीट्स में से कांग्रेस को 59 व 30 जिन्ना को मिले। जब जिन्ना को लगा कि उनकी सरकार नहीं बनी, तो उन्होंने सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी। नेहरू ने जिन्ना को आमंत्रित किया, किंतु वे अड़े रहे, जिसके फलस्वरूप कई दंगे हुए, कई हिंदू व मुस्लिम मारे गए। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड वेवल। अब हम पढ़ेंगे भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के बारे में, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल निश्चित समय के लिए रहा 1947 से 1948 तक। इनके समय 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन पीएम एटली द्वारा भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 8 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इस विधेयक में भारत व पाकिस्तान दोनों को अलग किया गया। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं दूसरी ओर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है राजगोपालाचारी। दोस्तों, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तब वॉइसराय की पदवी को हटा दिया गया व गणतंत्र संविधान को अपनाने के बाद यह पद भी समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, जब भारत विभाजन हुआ, इसका जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम नहीं थे। जिन्ना 1938 में फेमस हुए और मुस्लिम की आवाज़ उठाने लगे। नेहरू भी अपनी कुर्सी व सरकार के लिए लड़ रहे थे।
हालांकि वे नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। मौलाना आजाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन का विरोध किया। 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स को 33% सीट देने की बात की, जिससे पता लगने लगा कि हिंदू को ज़्यादा मेजोरिटी मिली। कई नेता भारत माता गौ माता मातृभाषा के नारे लगा रहे थे, जिससे मुस्लिम खुद को असुरक्षित समझने लगे। 1932 गांधी अंबेडकर पुणे एक्ट में दलितों को रिजर्वेशन मिलने पर मुस्लिम की बेचैनी बढ़ी, पर उनके लिए कुछ नहीं किया गया। राम मनोहर लोहिया ने अपनी बुक गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में लिखा है कि नेहरू व जिन्ना पर निशाना साधते हुए वे कहते हैं, अंग्रेज हिंदू मुस्लिम सब विभाजन के जिम्मेदार हैं। अतः माउंटबेटन ने दंगों की गतिविधियां देख 1948 में भारत को आज़ाद की जगह 1947 में आज़ाद कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई व भाग दौड़ मारकाट हुआ और विभाजन हो गया। तो दोस्तों, आज यह गवर्नर जनरल से लेकर वॉइस रॉयस का सफ़र यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी प्रकार की जानकारियों के साथ हम अपना नया टॉपिक जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।